वेलकम। आज के टॉपिक में हम जा रहे हैं देखने फर्स्ट ईयर के मैथ्स का पेपर पैटर्न। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर का जो पैटर्न है वो सिंपल है, इसमें तीन सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो है एमसीक्यूज का सेक्शन, इसमें 20 एमसीक्यूज हैं, 20 नंबर के, एक एमसीक्यू एक नंबर का है और इसमें पूरी बुक से आते हैं। उसके बाद चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में 50 मार्क्स के हैं और इसमें हमें करने हैं 10 क्वेश्चंस। और 10 क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं कि हमें हर सेक्शन में से एटलीस्ट 3 पार्ट्स करने हैं। इसमें लोग बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। तो ये है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से हमने कोई 3 कर लिए, क्वेश्चन 3 में से हमने कोई 3 कर लिए, क्वेश्चन 4 में से हमने कोई 3 कर लिए। अब रिमेनिंग हमारा रह गया 1 क्वेश्चन, वो हमारे ऊपर होता है, वो हमारी चॉइस है कि हम किसी से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाए सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जो है उसमें हमारे पास ये है कि 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंपलसरी है और हर सवाल में 2 पार्ट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर 7 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो अगर हमने एक क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया तो हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 करना पड़ेगा या 7। ये नहीं कि आपने 5 करा नहीं, 6 और 7 कर लिया, वो आपका एक सवाल फजूल हो गया, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपने अपना टाइम वेस्ट करा। 5 करना लाजमी है, कंपलसरी है। और अब आ जाते हैं सवाल को देखते हैं कि कैसे और कौन कौन से चैप्टर्स से सवाल आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास बेसिकली 3 या 4 चैप्टर से आते हैं सवाल, 5 सवाल हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, चैप्टर 1 से आ गया कोई, चैप्टर 2 से 1 आ गया, चैप्टर 3 से 2 आ गए, चैप्टर 4 से 2 आ गए। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये बोर्ड वालों के ऊपर होता है वो किस ऑर्डर से दे, ये स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो उसमें एक सवाल चैप्टर नंबर 5 से आ जाता है, 2 चैप्टर 6 से आ जाते हैं, 1 चैप्टर 8 से आ जाता है, 1 चैप्टर 7 से आ जाता है, ये दोनों चैप्टर 8 से आ जाते हैं, दोनों चैप्टर 7 से आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ज़रूरी नहीं है ऑर्डर। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें पहला सवाल चैप्टर नंबर 9 से आता है, दूसरा 11, 12 और 13 ऐसे आते हैं, और 13 से 2 सवाल आ जाते हैं। और ये वही बात कि कोई हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वही आए। अब आ जाए सेक्शन सी पे, लॉन्ग जो है, पहला सवाल चैप्टर 5 जो कंपलसरी है, उसमें ये लाजमी है कि पहला सवाल चैप्टर 6 से आए, कहीं से भी आ सकता है, पूरा चैप्टर है, बोर्ड वाले जो दे सकते हैं। दूसरा सवाल भी चैप्टर 12 से आ सकता है, या तो चैप्टर 12 के सवाल होंगे या तो लॉ कोई होगा प्रूफ करने के। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे, चैप्टर 8 से आएगा और चैप्टर 4 से आएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर 9, 10 और 3 ये वो हैं स्पेसिफाइड। थैंक यू।